नमस्कार जी, आज हम बना रहे हैं कुल्थ की दाल। ये सर्दियों में ज़्यादातर हिमाचल में बनाई जाती है, क्योंकि उधर ठंडी बहुत होती है तो ये खाने में गर्म होती है, इसलिए वहाँ ये ज़्यादा बनाई जाती है। तो इसके लिए हमें सामग्री चाहिए। हमने एक कटोरी कुल्थ की अच्छे से धो के हमने छांट के ले ली है। इसको हमने कुकर में 5-6 सीटियाँ लगा के उबाल के ले लिया है। एक हमने प्याज छोटे टुकड़ों में काट के ले लिया है, एक हमने छोटे टुकड़ों में टमाटर काट के लिया है, 2 नींबू का रस, और बनाने के लिए सरसों का तेल, और हमने 4-5 कलियां लहसुन की ली हुई है, एक बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया है। इसका हम कूट के पेस्ट बना लेंगे। 1 चम्मच हमने दरदरा धनिया और साबुत जीरा लिया हुआ है, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, गर्म मसाला, नमक स्वाद अनुसार। अब हमने कढ़ाई रख दी है, इसको हमने गर्म कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। अब हम इसको गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दरदरा धनिया और साबुत जीरा लिया है, इसको हम डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से भुनने देंगे। अब ये हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज दिया हुआ काट के छोटे टुकड़ों में, इसको हम डाल देंगे। अब हम इसको ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब ये हमारा प्याज ब्राउन होने तक भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने अदरक और लहसुन की कलियां ली हुई थी, हमने उसको कूट लिया है। अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और जो हमने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, नमक, गरम मसाला जो हमने लिया है, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे तो हमने छोटे टुकड़ों में टमाटर काट के लिया है, अब हम इसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से हम भून लेंगे इसको। अब ये टमाटर हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने नींबू का रस लिया है। आप नींबू का रस डाल भी सकते हैं और ना भी डाल सकते हैं। आप बिना नींबू से के रस के बिना भी आप बना सकते हैं। अगर आपको खट्टा खाना नहीं है तो बिना रस से भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दाल उबाल के ली हुई है, इसको हमने कुकर में 5-6 सीटियाँ लगा ली हैं। ये कुल्थ की दाल ऐसे भी खाने में बहुत अच्छी है ठंडी में, और ये ऐसे भी बहुत लाभदायक है। गुर्दे की पथरी वगैरह हो तो वो भी इसका पानी का सेवन करेंगे, आप उबाल के पिया करेंगे तो गुर्दे की पथरी भी इसमें इस पानी से गल जाती है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने दाल उबाली थी, उसका पानी भी हमने फेंका नहीं है, वो भी हम इसमें मिला देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिला के, अब इसको हमने 5 मिनट तक इसको ढक्कन देके हमने काढ़ लेना है। बीच बीच में हम हिलाते रहेंगे। अब हमने कुल्थ की दाल को 5 मिनट तक इसको इसमें काढ़ लिया है। अब ये हमारी कुल्थ की दाल बनके तैयार हो गई है। अब हमने गैस बंद कर दी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब ये हमारी कुल्थ की दाल खाने के लिए तैयार है। प्लीज़ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।